नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सुख शांति व्यवस्था लाने के लिए तमाम नियम कानून को हर जनपद में लागू करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर रहने वाले अधिकारी ने कोटेदार के साथ गाली देते हुए अभद्रता का प्रयोग किया, जिस पर कोटेदार संघ अध्यक्ष विश्वजीत मणि त्रिपाठी और कोटेदार जिलाधिकारी से मिलकर अपनी आपबीती सुना दी। कहा जाता है कि अधिकारी या कर्मचारी अब अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं तो आम जनता को न्याय कैसे मिल पाएगा। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ऐसे अधिकारियों के कैसे शिकंजा कसते हैं। प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर रहने वाले अधिकारी ने कोटेदार के साथ गाली देते हुए अभद्रता का प्रयोग किया, जिस पर कोटेदार संघ अध्यक्ष विश्वजीत मणि त्रिपाठी और कोटेदार जिलाधिकारी से मिलकर अपनी आपबीती सुना दी और लिखित शिकायत पत्र दी। कहा जाता है कि अधिकारी या कर्मचारी जब अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं तो आम जनता को न्याय कैसे मिल पाएगा। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ऐसे अधिकारियों के कैसे शिकंजा कसते हैं। नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन आज हमारे एक दुकानदार जो पिंकी देवी का लड़का है वो उनके पास गया हुआ था, जिसको अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने इसको समाज में कहने योग्य नहीं है वो बात जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज दिया है, मां माँ और बहन का भी समझिए इस्तेमाल किए हैं वो, और ऐसी भाषाएं समाज में कतई मान्य नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम किसी भी हाल में इस पूरे जनपद में वितरण करेंगे और न करने देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। इसके पूर्व भी उसने बदलता किया, इसके पूर्व उन्होंने भी रुद्रपुर में भी दो बार कर चुके हैं और एक बार लार में भी कर चुके हैं, और हमारे लार के अध्यक्ष जो माननीय बांके बिहारी पांडे जी हैं उनके साथ भी उन्होंने अभद्रता से पिफाया था, और आए दिन इनकी तुम ताम और गाली गलौज की भाषा से विश्वास मान लीजिए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा सर? नहीं, अभी तो फिर आप तो प्रशासक वो अध्यक्ष हट गए, फिर उसके बाद क्या होगा? प्रशासक के द्वारा नाम होगा 6 महीने के अंदर, फिर आप चुनाव कराएंगे 6 महीने के अंदर, दोबारा 6 महीने के अंदर। सप्लाई कहाँ गए? सप्लाई विभाग में सलेमपुर साहब दुर्गा दत्त साहब थे, नमस्कार किए, उसके बाद वहाँ बात किए तो कह रहे हैं, तो उसके बाद गाली देकर रूम से बाहर कर दिए। क्यों, क्या रीजन रहा? रीजन था कि हम साइन कराने गए थे और कार्ड के बारे में पूछ दिए, यही रीजन। कार्ड किस तरह का कार्ड? किसान तो दे दो तीन कार्ड था। क्या गाली दिया उन्होंने? सड़ी वाले माधव चौधरी भागा बाहर चले गेट से बाहर। हम जब गाली देने वाले अधिकारी का क्या नाम है? उनका नाम दुर्गा दत्त। कहाँ के इंस्पेक्टर है वो? लार के सप्लाई इंस्पेक्टर जी। आपका क्या नाम है? अंशु तिवारी। आप क्या हैं? आप कोटेदार के नाम से? हाँ, कोटेदार के। कहाँ के कोटेदार, किस गांव के? कठौड़ी। हाँ, कठौड़ी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कार्रवाई किया जाए। हाँ, कार्रवाई किया जाए। वो कह रहे थे कि हम दुकान ऐसी कर देंगे।